धनबाद जिले के गोविंदपुर के जीटी रोड पर हुए सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय और एसएनएमएमसीएच में चल रहा है। गोविंदपुर जीटी रोड पर ईस्ट इंडिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से एक बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बस के पिछले हिस्से में सवार यात्री घायल हो गए। उन्हें आनंद फानंद में एसएनएमएमसीएच लाया गया। इसके बाद स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल लाने के दौरान बस में सवार घायल एक छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम अर्पिता चंद्र है। वह धनबाद के निरसा की रहने वाली थी। बीबीएमकेयू से अर्पिता एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। मौके पर मौजूद गोविंदपुर थाना के एएसआई मिथिलेश कुमार ने बताया कि बस धनबाद से आसनसोल जा रही थी। गोविंदपुर ईस्ट इंडिया मोड़ के पास बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी। इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। टक्कर काफी जोरदार थी। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सभी आनंद फानंद में अस्पताल भेजा गया। देखिए, गोविंदपुर से हाईवा और एक बस आ रही थी, है ना। बस आगे थी और हाईवा पीछे था। एक पहले बस के द्वारा ब्रेक मारा गया, जिसके कारण ड्राइवर बेकंट्रोल हो गया हाईवा वाला और जाके पीछे बस में मार दिया, जिसे बहुत एक बच्ची को थोड़ा ज़्यादा चोट आई और फिर शायद वो ठीक है, उसको पीएमसीएच भेज दिया हम लोग। और जितना भी बस में हल्का फुल्का जो भी आदमी को चोट लगा, पब्लिक और यहाँ के जनता और सभी के सहयोग से उसको सही सलामत हॉस्पिटल पीएमसीएच भेजा गया। लगभग ज़्यादा नहीं, कम से कम 12 से 14 के बीच में, ज़्यादा गंभीर है। सर, बस ड्राइवर कहाँ है? बस ड्राइवर जैसे ही बस में उसको लगा धक्का, बस ड्राइवर पहले ही भाग गया। हाईवा ड्राइवर को हल्का चोट लगा है, उसको भी पीएमसीएच हम लोग भेज दिए। और सड़क हादसे में जो कि दुर्घटना हुआ, एमपीएल का हाईवा जो है पीछे से जोरदार टक्कर मारा, जिसमें इसका थोड़ा सा घायल हो गई और हम लोग इसको स्थानीय अपना अस्पताल पीएमसीएच लेकर पहुंचे, जिसमें यहाँ पे जांच पड़ताल में पता चला कि नहीं रही। किस चीज से घर जा रही थी? बस से जा रही थी। और भी कितने लोग घायल हुए? 6-7 लोग हैं, सभी लोग हैं, 6-7 लोग हैं। उन लोगों का ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जा रहा है? स्थानीय अस्पताल में। लड़की कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? बीबीएमकेयू का छात्रा है और मास्टर डिग्री कर रही थी, सेम फर्स्ट की छात्रा है। नाम क्या है बच्ची का? रितु चंद्रा, पिता का नाम उत्तम चंद्रा। स्थानीय लोग निरसा के रहने वाली है। हाँ, उसका हाईवा का जो चालक है जो जोरदार टक्कर मारा पीछे से, वो भी घायल है। घटना कहाँ पे हुई है? ईस्ट इंडिया मोड़, थाना गोविंदपुर, जिला धनबाद। खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694।